अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आपके साथ फाइल 3 शेयर की जा रही है। इससे पहले हम फाइल 1 और 2 आपके साथ शेयर कर चुके हैं। उम्मीद है कि वो जो सॉल्यूशन थे उनसे आप पूरी तरह एग्री होंगे कि यही राइट आंसर्स हैं। चलो जी, अभी हम पार्ट 3 देखते हैं और इसके अंदर अगेन वही बात करूँगा। एक तो मैंने शॉर्ट वीडियोज़ जो है मेरी, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। सेकंडली, पेज नंबर इस वजह से नहीं दिए क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अभी तक की जो हमारे पास हैंड आउट्स हैं उनके हमारे पास पेज नंबर नहीं है। बाकी आंसर्स वेरीफाइड हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो जी, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन केस ऑफ क्रिएटिंग द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट्स, तो कह रहा है कि डैश इज डेबिट, मैं पूछ रहा कि कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा। जब प्रोविजन, जिस तरह लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन की थी बैड डेट्स के लिए जो प्रोविजन बनाते हैं। अच्छा, प्रोविजन का सुनने पहले, प्रोविजन की जो नेचर होगी ना, नेचर अकाउंट की, अकाउंट की नेचर को कह रहा हूँ, वो क्रेडिट होगी। जब भी उसमें इजाफा करेंगे तो क्रेडिट साइड पर एंट्री करेंगे, जब भी उसमें डिक्रीज करेंगे डेबिट साइड पर एंट्री करेंगे, ठीक है जी। अब जब प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट ऑन डेट्स करेंगे तो जो प्रोविजन बना रहे होते हैं तो वो उसकी जो एंट्री, जैसे ये क्रेडिट साइड में एंट्री हो रही होती है प्रोविजन अकाउंट के अंदर, तो डेबिट एंट्री कहाँ कर रही है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में हो रही होती है। ऑप्शन ए आपने इसका लेना है। सेकंड क्वेश्चन जी, एक्सपेंस अकाउंट इज क्लोज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। बिल्कुल ये बात ठीक है उसी के एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड ही करते हैं, लेकिन इसको क्लोज जब करते हैं तो क्लोज करके कहाँ पे इसकी अमाउंट कहाँ ले जाते हैं, इनकम स्टेटमेंट के अंदर लेके जाते हैं इसको। याद रखिएगा कि इनकम, ठीक है, जो सेल्स के अगेंस्ट, आप सेल करते हैं तो इनकम होती है ना आपको, इनकम और एक्सपेंस, ये दोनों जो मेन हेड वाली अमाउंट होती है ये आपने लेके जाती होगी इनकम स्टेटमेंट के अंदर। इनकम स्टेटमेंट आपके पास प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे, बाकी की तीन मेन हेड बच गए, ठीक है जी, ऑनर इक्विटीज, लाइबिलिटीज और तीसरा कौन सा बच गया जी। हाँ जी, सही कह रहे हैं आप जी, एसेट्स वाला बच गया, ठीक है जी। ये तीनों हेड की जो अमाउंट होती है वो बैलेंस शीट के अंदर जा रही होती है। ऑप्शन ए लेना है आपने, इसमें इनकम स्टेटमेंट में जाती है अमाउंट इसकी जी। क्वेश्चन है जी, इज द डिटेल ऑफ डैश इज द डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन इन वंस अकाउंट प्रोवाइडेड बाय द बैंक। कह रहे कि किसी भी अकाउंट, किसी भी इंडिविजुअल के अकाउंट में, किसी भी फर्द के अकाउंट में जो अमाउंट होती है उसकी डिटेल जो बैंक बैंक आपको देता है वो उस फॉर्म को क्या कहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं बैंक स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है जी। बैंक स्टेटमेंट बैंक बनाता है, ऑप्शन ए हो गया। अच्छा जी, बैंक रिकंसिलिएशन कौन बनाता है जी, अकाउंटेंट बनाता है, याद रखिएगा। अच्छा जी, एडवांस रिसीट एट द एंड ऑफ द पीरियड इज ट्रीटेड एज, ठीक है जी, एडवांस आपको आया हुआ है और सारा अकाउंटिंग पीरियड गुजर गया, अभी वही जो एडवांस रिसीट है वो आप उसको लाइबिलिटी कंसीडर करेंगे आपके लिए, ठीक है। अच्छा जी, द फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक कॉलम इज, अच्छा कैश बुक के आगे बैंक कॉलम क्यों लिखा हुआ है, वो इस वजह से लिखा हुआ है कि कैश बुक के बैंक कॉलम के अंदर जो आपका बैंक अकाउंट होता है उसकी सारी ट्रांजेक्शन की डिटेल कैश बुक के बैंक कॉलम में होती है। वैसे एक ये होती है, एक अलग से आपके पास बैंक बुक भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि कैश बुक आपने वो वाली लेनी है जिसके अंदर ऐसा कॉलम हो जिसके में बैंक की एंट्री, आप अलग से बैंक बुक भी ले सकते हैं। तो फेवरेबल बैलेंस जो होता है कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम का, और डेबिट साइड पर जो बैलेंस होगा एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस और एज पर कैश बुक ही कहना है उसको, ठीक है जी, तो वो होगा ऑप्शन ए आपने लेना है। अभी क्वेश्चन आ गया जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग टेंजिबल फिक्स एसेट। अभी यहां पे देखें कि जो फाइल 1 है उसके अंदर हमने एक टेंजिबल एसेट बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन किया था, उसमें ऑप्शन जो था ना हमारा ए था, इसमें ऑप्शन डी है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में फर्क देखें भी। देयर कैन बी मेजर्ड, देयर कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, इसका मतलब क्या हुआ कि एसेट कोई भी, जैसे मशीनरी है, कोई भी बिल्डिंग है, रिलायबली मतलब आप उसकी कॉस्ट जो है आप उसकी मुतय्यन कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी डेट पे, या आपके पास जो इन्वाइसेस होती हैं आप वहाँ से निकाल के उसी डेट जो है उसकी, उसके आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे आपको उसकी कॉस्ट का पता चल सकता है, ठीक है, एक मतलब इसका ये हो गया। ऑप्शन बी है, देर इज प्रॉबली
प्रोबेबिलिटी ऑफ इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स बेनिफिट्स इन फ्यूचर, जो जितने भी आपके फिक्स एसेट होते हैं वो अक्सर जो है उनमें से आप उसे इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले रहे होते हैं, ठीक है जी, ऑलमोस्ट सब सही, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है, आप बिजनेस के लिए किसी तरह भी फायदा उससे ले रहे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, दीज कैन बी यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सेस ऑफ 1 ईयर, बिल्कुल ठीक है जी, ये इनकी लाइफ जो होती है ओवर मोर देन 1 ईयर होती है, तरह है यही आएगा, ठीक है जी। चले जी, ये है क्वेश्चन, एक्सपेंस अकाउंट इज क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ये पहले भी क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन इस तरह का आया हुआ है और पहले भी कन्वे किया जा चुका है आपको कि एक्सपेंस अकाउंट या इनकम अकाउंट दोनों को इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्लोज करते हैं। आपने ये इनकम को फिर ये परेशान हो जाए कि इनकम स्टेटमेंट फिर इनकम अकाउंट, ठीक है जी, इनकम अकाउंट लेजर के अंदर एक अकाउंट है, ठीक है, और एक्सपेंस भी लेजर के अंदर एक अकाउंट है, इनकम स्टेटमेंट इन अकाउंट की बेस पे बनाने वाली एक स्टेटमेंट है, ठीक है जी, इसमें और उनमें फ़र्क है, ये स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, इनकम स्टेटमेंट कोई अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है। अच्छा, इसमें ऑप्शन ए लेना है आपने, और माशाल्लाह यहाँ पे आपने फाइल 3 भी ख़त्म कर ली है। चलें जी, अभी माशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं अपना लाइव जो क्विज़ है उसकी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करूँगा। चलें जी, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।